हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है जो पत्र पत्रिकाएँ और उनके लेखक हैं। इससे मैंने एक पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था और ये इसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें आपको केवल जितनी भी पत्र पत्रिकाएँ जो है वो बुक्स हैं उनके जो है वो आपके राइटर्स होंगे उनको मिलान करना और ऐसे कर क्वेश्चन आएंगे। ये आपका मोर देन इनफ है। यहाँ पे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके, मुझे लगता है, इससे आने वाले सभी प्रश्न आप कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं बताती रहूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स दो वीडियो और है और फिर उसके बाद अपना मॉडर्न इंडिया हमारा ख़त्म हो जाएगा। आप समझ सकते हैं ना कि मतलब मैं एक बात आपको बोलूँ, सिंपल से एक बात है कि आप कोई मैं आपको ऐसे करके एक उलझाऊ सा धागा दे देती हूँ, कोई रस्सी ऐसे करके दे देती हूँ और मैं कहती हूँ कि अब इससे जो है वो आप जो है वो कंसाइज करिए, सबसे छोटे स्वरूप में करिए। तो आप इसको बांध बांध के गोला बना के आप इसे शायद इतना छोटा गोला में बना सकते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आपका सिलेबस भी ऐसे बिखरा हुआ है, इस तरीके से बिखरा हुआ सिलेबस है आपका कई भागों में। ठीक है, और इसे आपको कंसाइज वे में करना है, आपको इसे शॉर्ट में पढ़ना है और अपने लिए उपयुक्त चीज़ों को निचोड़ को जो है निकाल के रख लेना। सेम यही काम मैं जो आपके लिए कर रही हूँ, मैंने जो है 20 से 22 लेक्चर होगा शायद, मैं आपका पूरा जो मॉडर्न इंडिया मतलब आपका एक दिन, टोटल 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से भी कम समय में, एक दिन से भी कम समय में मैं आपका पूरा मॉडर्न इंडिया ख़त्म कर दे रही हूँ। क्या आपके लिए ये पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है इसको सॉल्व करने। और केवल मैंने घटना चक्र नहीं सॉल्व किया है, मैंने आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट बताए हैं जो घटना चक्र में नहीं थे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अबुल कलाम आज़ाद, हिंदू स्वराज, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल, महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम। तो नहीं, केवल एक यही सुमेलित है, बी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों ही है। आपको पता है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है वो होम रूल आंदोलन के दौरान इन्होंने स्टार्ट किया था। तिलक का जो है वो तिलक, और इसी समय जो है वो तिलक ने भी दो समाचार पत्र था, केसरी और मराठा। ठीक है, मराठा हमारा इनका जो था वो इंग्लिश में था और केसरी जो था वो मराठी में निकलता था। ठीक है, ये साप्ताहिक पत्रिका थी दोनों ही। और हिंद स्वराज, आपको पता है हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी जी का है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की का है जो उन्होंने 1909 में लिखा था। ठीक है, और अबुल कलाम आज़ाद का इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद का। ठीक है, तो इससे आप जो है ये मिलान करने के लिए नहीं था, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कौन किसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बापू माई मदर, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? बी आर नंदा, राजकुमारी अमृता कौर, महादेव देसाई, मनु बहन। तो ये मनु बहन की जो है वो पुस्तक है बापू माई मदर, याद कर लीजिएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक का है। तिलक के मैंने बताया मराठा और केसरी भी थी, और इनकी एक कई किताबें थी गीता रहस्य के अलावा, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ठीक है, एक इनकी बुक थी और दूसरी थी क्या कहते हैं ओरायन। ठीक है, तीन बुक इन्होंने लिखी थी, एक गीता रहस्य था, एक तो ये आपका गीता रहस्य द आर्कटिक होम ऑफ वेदांस था, और ओरायन इनकी तीन जो है वो किताबें थी। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन है, अरविंदो घोष ने कौन सी लिखी थी बुक? तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है, मॉडरेट मूवमेंट है, केसरी है, और द लाइफ डिवाइन। तो द लाइफ डिवाइन इनकी जो है वो बुक्स का नाम, बुक का नाम था। और अरविंदो घोष की जो है वो पत्रिका थी जो उसका नाम था वंदे मातरम, पत्रिका का नाम जो है वो वंदे मातरम था। और इन्होंने जो है कुछ और जो है वो काव्य लिखे थे, इन्होंने एक अरविंदो घोष ने जो है एक महाकाव्य लिखा था, एक महाकाव्य की रचना की थी जिसका नाम था सावित्री। ठीक है, सावित्री नामक महाकाव्य की रचना की थी, और कुछ और जो है वेदों की रचना की थी जिसमें कर्मयोगी,
कर्मयोगी, धर्म और आर्य, तीन जो है वो किताबें थी। इसके अलावा और भी जो कर्मयोगी था वो अंग्रेजी में था, धर्म जो है वो आपका बंगाली में था। इसके अलावा द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी भी इन्होंने लिखी थी, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी भी इन्होंने लिखी थी। और एसेज ऑन द गीता, एसेज ऑन द गीता भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो ये इनकी इतनी जो है वो इनका महाकाव्य सावित्री है, इनका महाकाव्य सावित्री है, याद रखिएगा। कर्मयोगी, धर्म और आर्य जो है इनकी, कर्मयोगी बंगाली में थी, धर्म जो है कर्मयोगी अंग्रेजी में थी, धर्म जो है बंगाली में थी। वंदे मातरम जो है इनकी पत्रिका थी, समाचार पत्र वंदे मातरम था। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी इनके पुस्तक का नाम भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इसमें एक सुमिलित नहीं है, कॉलिस एंड लपियर। ठीक है, लॉरी कॉलिन्स और डोमिनिक, तो इनको हम शॉर्ट में कॉलिन लपियर कहते हैं। फ्रीडम एंड मिडनाइट है दुर्गादास का, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू एंड आफ्टर, के अजीज का द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं पूछना है, इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये तीनों सुमेलित है, इसमें सी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो है वो रफ़ीक जकारिया की है, बहुत इंपॉर्टेंट है पुस्तक है, रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी वेरी, मतलब कितनी बार और वेरी लगा दें हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार द फ्रीडम एंड मिडनाइट, कोली एंड लपियर, इसको याद रखिए, कोली एंड लेपियर जो है वो कॉलिन्स एंड लेपियर जो है वो फ्रीडम एंड मिडनाइट के, दुर्गादास इंडिया फ्रॉम कर्जन टू एंड आफ्टर का है जो है वो, और ये द मैन हु डिवाइडेड रफीक जकारिया के, मौलाना अबुल कलाम जो है वो इंडिया विंस फ्रीडम। ये चारों, मतलब इसमें जो भी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसको मिलान करना हमारा इंडिया विंस फ्रीडम, अभी आप ऊपर ही पढ़े हैं, अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, यंग इंडिया किसकी है, इसे हमने नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ के बाकी सब पहले मिला लेते हैं। यंग इंडिया किसकी है, आपको पता है यंग इंडिया किसकी है, महात्मा गांधी की है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है, तो सी और डी तो मिला ही हुआ है, सी का 3 और डी का 4 ये वाले में है। ठीक है, ए का 2 इसमें है, बी का 1, जाहिर सी बात है एक ऑप्शन बचता ही हमारे पास, तो ये सुनील गावस्कर का ही उस समय का करंट होगा जब भी आया होगा सुनील गावस्कर का। रन एंड रुइंस जो है इसे याद कर लिया, बाकी आपको पता है कि यंग इंडिया न्यू इंडिया इन सब के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं, पहले भी बहुत बताया मैंने। चलिए नई इसमें क्या पूछा है, कौन सा एक सही सुमेलित है, वैलेंटाइन सेरोल इंडियन स्ट्रगल, कौन सा एक सही सुमेलित है, अच्छा पूछ रहा है। रफीक जकारिया का द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, अभी आप पढ़े हैं यही वाला चीज़ तो आप पढ़े हैं ना, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी है, द रफीक जकारिया की है, तो ये वाला हमारा सुमेलित है। अब ये बात कर लेते इंडियन स्ट्रगल, तो ये सुभाष चंद्र बोस की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड, वैलेंटाइन सेरोल की इंडियन अनरेस्ट है। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है, इसने ऑप्शन नहीं दिया है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। ब्रिटिश और की आपको पता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वीडी सावरकर की, तो ये आपको सभी के नाम पता चल गया। नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंडियन अनरेस्ट अभी आप ऊपर ही पढ़े हैं, वैलेंटाइन सेरोल की है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ज़्यादा हमको सोचना ही नहीं है। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द नेशन इन द मेकिंग राम मनोहर लोहिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी जी तिलक, एस सी बोस, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहने दें इसको एकदम एस, मतलब ये जो पुस्तकें हैं ना इनमें जब भी आप पढ़िए, घटनाचक्र को भी सॉल्व करें या मैं भी पढ़ा रही हूँ ना, तो यहाँ पे ऑप्शन पे जाइए मत, क्योंकि पता कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है एक साथ है। आपको पता है कि मुझे लगता है कि जो मुझे याद है, जो मैंने याद किया है, कम से कम मुझे 100 पुस्तकों और उनके राइटर्स के नाम पता है। ठीक है, मैंने तो कन्फ्यूज़न मुझे क्यों नहीं होता है, तो मैं अपना बताऊँ, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था, खासकर कभी कभी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, पत्रिका है, कभी कभी एक ही पुस्तक है उसके कई, जैसे वंदे मातरम है लाल लाजपत राय की भी है, ठीक है, अरविंदो घोष की भी है, तो तिलक की भी है वंदे मातरम, तो इससे मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। पर आप क्या करेंगे ना कि केवल ऑप्शन देखिए, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर फोकस करिए बार बार, जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं पुराने क्वेश्चन ना, तो आप
करेक्ट ऑप्शन पे ही क्लिक कर लीजिए बार बार। पता है क्या है, उससे क्या है कि गलत ऑप्शन पे आपका दिमाग ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, याद करने के लिए आपको एक बार याद हो जाएगा पर कन्फ्यूज़न बहुत होता है, और खासकर जब मिलाने के लिए आता है तो। इसलिए तो द नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे बढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज। जवाहरलाल नेहरू का हिंद स्वराज, सॉरी इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, चलो यही वाला सुमेलित नहीं, जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया था हिंद स्वराज जो है गांधी जी ने लिखा था, और कब लिखा था आपको पता है, 1909 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पता ही है इंडिया विंस फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल पता है, मैंने अनहैप्पी इंडिया पहले ही बता दिया था कि लाला लाजपत राय की है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक जो है पुस्तक। देखिए बार बार यही चीज़ें पूछ रहा है, मैंने बताया ना एक ही, एक बार आप तैयार कर लेंगे बार बार आपका यही हो जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का है इंडियन स्ट्रगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है पूछ रहा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बीडी सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये तो हमको पता है सुमेलित है। आरसी मजुमदार का सिपुआई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, बिल्कुल ये इन्हीं का है। राधा कमल मुखर्जी का अवध इन रिवोल्ट, ये वाला हमें देखना इनका है कि नहीं है। एसबी चौधरी का जो है सिविल रिबेलियन, ये तो पता ही है कि इनका भी है, तो ये तीनों से इसका मतलब यही वाला सही नहीं है। तो अवध इन रिवोल्ट पुस्तक जो है वो उसके लेखक है रुद्रांशु मुखर्जी हैं। रुद्रांशु मुखर्जी हैं, ठीक है। नहीं भी आपको आता होगा तो जो है ना वो आपका बिना देखे भी सही हो जाए, क्योंकि ये तीनों आपको याद होना चाहिए। 1857 से रिलेटेड द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, आरसी मजुमदार जो सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, द सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी, ये सारी ये तीनों किताबें अगर आपको याद हैं तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा है, यानी कि एक ही चीज़ है। सुभाष चंद्र बोस टू आर्स स्ट्रगल नहीं, इंडियन स्ट्रगल है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जो है वो इंडियन स्ट्रगल है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता टू आर्स स्ट्रगल, ठीक है। यू टू स्प्रिंगिंग टाइगर, लुइस फिशर का अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशन, अबुल कलाम आज़ाद का इंडिया डिवाइडेड, आपको पता है इंडिया डिवाइडेड इनका तो है ही नहीं, ठीक है। चलिए तो स्प्रिंगिंग टाइगर जो है यू टोए का है, ठीक है। स्प्रिंगिंग टाइगर जो यू टोए का है, सुभाष चंद्र बोस का जो है वो टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण का है, ठीक है। किसका है, जय प्रकाश नारायण का टूवर्ड स्ट्रगल किसका है, जयप्रकाश नारायण का है। द इंडियन स्ट्रगल तो आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है, टूवर्ड्स स्ट्रगल नहीं है। इंडिया डिवाइडेड आपको पता है कि राजेंद्र प्रसाद की है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की, इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो आपकी अबुल कलाम आज़ाद की, अबुल कलाम आज़ाद की तो आपको पता है ना, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। नीचे कमेंट करिए कि क्या कहते हैं कि वो इंडिया विंस फ्रीडम और क्या इसको क्या कहते हैं, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के जो है वो लेखक कौन है। इसके जो है वो अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, इसके जो राइटर हैं इनका नाम है फिलिप्स टॉल बॉय। फिलिप्स बल्ब यूज़ करते हैं ना, फिलिप्स का बहुत से चीज़ें यूज़ करते हैं हम घर में। फिलिप्स टॉल बॉय मतलब लंबा लड़का, याद हो गया कि नहीं, फिलिप्स टॉल बॉय, ठीक है। फिलिप्स टॉल बॉय अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन लुइस फिशर का नहीं है, अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन जो है वो फिलिप्स टॉल बॉय का है। टूवर्ड्स स्ट्रगल किसका है, टूवर्ड्स स्ट्रगल जो है वो जयप्रकाश नारायण का है। इंडिया डिवाइडेड जो राजेंद्र प्रसाद का, अबुल कलाम आज़ाद का पता है आपको, इंडिया विंस फ्रीडम है, सुभाष चंद्र बोस का भी आपको रचना पता है क्या है, इंडियन स्ट्रगल है, इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हमारा, भगत सिंह, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है यहाँ पे पूछा, यानी एक ही क्वेश्चन है जो सही सुमेलित है। भगत सिंह का एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का बंदी जीवन, ये तो नहीं है इनका, सचिन सान्याल का है बंदी जीवन जो है वो आपका किसका है, सचिन सान्याल का है। उसके बाद अच्छा ये यहीं पर दिया नीचे, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल आपको पता है एस सी बोस का है, ठीक है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ,
मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, ये भगत सिंह का है, ठीक है। यानी ये तीनों तो गलत हो गए, यही सही है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये भी जो है वो हमारे भगत सिंह का ही है, ठीक है। भगत सिंह का एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, ये दोनों इनका। बंदी जीवन सचिन सान्याल का, इंडियन स्ट्रगल एस सी बोस का है। ये वाला मुझे लगता है ऐसे था, अगर मिलान के लिए आता तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगत सिंह कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। सबसे पहले हम हाँ या नहीं पे निशान लगाते हैं, क्योंकि गलत ना हो क्वेश्चन, इसलिए। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो सचिन सान्याल का बंदी जीवन, ये तो हमने कर दिया था, ये तो सुमेलित है ही हमारा, ठीक है। द ड्रीम लैंड बताइए, ड्रीम लैंड किसकी है, ठीक है। द ड्रीम लैंड ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड नहीं, इनमें द ड्रीम लैंड पूछा है तो ये इनका है, ये जो है वो सही है। द ड्रीम लैंड इनकी, इन्हीं की रचना है। हाँ, द फिलोसफी ऑफ द बम जो है भगवती चरण बोरा की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह की द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा की है। किसकी है, श्याम जी कृष्ण वर्मा की है, ठीक है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो प्रसिद्ध समाज सेवक जो है वो उनका श्याम जी कृष्ण वर्मा की है, ठीक है, जिन्होंने अमेरिका में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। अनहिलेशन ऑफ कॉस्ट जो है किसकी है, ज्योतिराव फुले, डॉक्टर अम्बेडकर और कांसीराम राजा राम मोहन राय की। आप बताइए निम्नलिखित में से किसकी हो सकती हैं, तो ये जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है, अनहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, दुर्गादास सुमेलित है पूछना है, ठीक है, सुमेलित है पे जाएं। दुर्गादास द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुइस फिशर, ये भी तो गलत। कौन सा एक सुमेलित पूछा, लुइस इज इंडिया फ्रॉम कर्जन टू इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर है, ठीक है। फ्रैंक मॉरेन जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, यही वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। फ्रैंक मॉरेन जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी जो है वो जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, फ्रैंक मॉरेन। अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड, आपको पता है इंडिया डिवाइडेड किसका है, हमारा राजेंद्र प्रसाद का है, ठीक है। और इंडिया फ्रॉम कर्जन टू एंड आफ्टर, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू एंड आफ्टर, आपको पता है ये किसकी रचना है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू एंड आफ्टर किसका है। दुर्गादास का है, ठीक है। ये अच्छा, ये ऐसे कर दिया है, लुइस फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, अच्छा ये भी ऐसे ही है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो है वो लुइस फिशर का है, ठीक है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुइस फिशर का है, इसको याद रखिएगा, यानी इनका ये वाला होगा, इसका ये वाला सही होगा, ठीक है। फ्रैंक मॉरेन इनकी जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी से, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया अगेंस्ट फ्रीडम है ही, आपको पता है। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसके जो है वो आपको लेखक का नाम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली पुस्तक भी। जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोज नायडू, जैसे ही मेरे दिमाग में से गिल्टी मैन आता है तुरंत ना राम मनोहर लोहिया, मैं आगे सोचती भी नहीं, पढ़ती भी नहीं हूँ, पढ़ना चाहिए, आप पूरा पढ़िएगा पुस्तक का नाम, द गिल्टी मैन राम मनोहर लोहिया, पर आप इसको याद कर लीजिए, द गिल्टी मैन राम मनोहर लोहिया, ठीक है। इसको एकदम ऐसा रट जाइए, गिल्टी मैन राम मनोहर लोहिया, ठीक है। पर आप उसके बाद ही पढ़ लीजिएगा, क्या पता कि गिल्टी मैन के बाद कोई और हो जुड़ा हुआ, कुछ और पुस्तक का नाम ही बदल दे, मोस्टली यही होता है, 98% तक तो यही है, ठीक है। द गिल्टी मैन राम मनोहर लोहिया, चलिए कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, विलियम बेडरवर्न, द ग्रेट डिवाइड, जवाहरलाल नेहरू, हिंदू स्वराज, सही सुमेलित पूछा है, ठीक है। राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैन, आपको पता है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेंट राम मनोहर लोहिया की है, तो यही वाला सुमेलित है, तो जाहिर सी बात है बाकी सब गलत होगा। अब आप महात्मा गांधी की हिंदू स्वराज वैसे भी मिला देंगे, उसके बाद ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी है, इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। और क्या कहते हैं, द ग्रेट डिवाइड पुस्तक किसकी है, एच वी हडसन की, इसमें ये नहीं है ना, ये इनकी पुस्तक है, एच वी
हडसन द्वारा द ग्रेट डिवाइड नामक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। अब क्या मिला नहीं है, इसका ये हो गया, इसका हो गया, ये वाला सुमेलित है ही, ठीक है। तो ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री का के लेखक हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी की हिंदी स्वराज है आपको पता है, द ग्रेट डिवाइड के एच बी हडसन है, और द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टिसिपेंट का राम मनोहर लोहिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, सूची एक को सूची दो से हमें मिलाना है, चलिए मिलाया लिया जाए, ठीक है। बंकिम चंद चटर्जी, माइकल मधुसूदन दास, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, ठीक है। चलिए मिलाइए किसका कौन कौन सा है आपका, ठीक है। बंकिम चंद चटर्जी का आनंद मठ है, माइकल मधुसूदन दास का कैप्टिव लेडी है, रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा है, सरोजनी नायडू का द ब्रोकन विंग्स है, यानी कि एक दो तीन चार चारों मिला हुआ है, ठीक है। बंकिम चंद चटर्जी का आनंद भट्ट है, माइकल मधुसूदन दास का कैप्टिव लेडी है, रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा है, द ब्रोकन विंग्स जो है वो सरोजनी नायडू के बहुत फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या की संज्ञा दी है, ठीक है। किस पुस्तक में जो है वे ब्रिटिश जो है वो हिंद स्वराज में, हिंद स्वराज में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पुस्तक में इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को बांझ और वैश्या की संज्ञा दी थी, तो हिंद स्वराज में, हिंद स्वराज जो उन्होंने 1909 में लिखी थी जब वो लंदन की यात्रा पे जा रहे थे जहाज में बैठ के, उन्होंने हिंद स्वराज जो है वो लिख दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, आपको पता है गोखले किसके किसके पॉलिटिकल गुरु थे, एक तो अपने गांधी जी के थे, दूसरे अपने जिन्ना के थे, ठीक है। तो जिन्ना और गांधी जी के थे, तो इसमें जिन्ना भी ऑप्शन में है और गांधी जी भी ऑप्शन में है, पर ये किताब किसने लिखी थी, गांधी जी ने लिखी थी, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इसलिए जानबूझकर इसमें जिन्ना और गांधी दोनों का नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को, एक्चुअली मैं आज इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि पुस्तक बहुत ज़्यादा है, मतलब कि नाम बहुत ज़्यादा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोची कि जल्द से जल्द इसको जो है वो ख़त्म करूँ, जल्दी जल्दी स्पीड में कराऊँगी तभी। चलिए क्वेश्चन को सूची एक को सूची दो से मिलाते हैं, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड राजा सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, दिलीप मुखर्जी, एस एन बनर्जी और महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की क्या है, ये एस एन बनर्जी यानी द नेशन इन द मेकिंग है, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है वो महात्मा गांधी की है, और दिलीप मुखर्जी की दर्द जो है वो टेररिस्ट है, तो इसमें आप मिला लीजिए कौन सा मिल रहा है, एक का दो, एक का दो, हाँ एक का दो हो गया, और दो का चार, एक का दो, दो का चार, दो में है, तीसरे से लिखाते हैं, एस एन बनर्जी का जो है द नेशन इन द मेकिंग है, एस एन बनर्जी का, यानी सी का एक, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है हमारे, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, राधा कृष्ण, भगवान दास, तथा इनमें से कोई नहीं, ये एक्चुअली बीपीएससी का क्वेश्चन इसीलिए ऐसा दिया है, अरविंदो, ठीक है, इनके लेखक जो है वो अरविंदो घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह, आपको पता है जाहिर सी बात है बहुविवाह कौन लिख सकता है, राजा राम मोहन राय, इन ईश्वरचंद विद्यासागर, पंडित रमाबाई और रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर के बहुविवाह से, ठीक है, उनकी है। अब इसमें से सूची एक को सूची दो से फिर से सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित कीजिए, अमृत लाल नागर देवदास, सुविचा नंदन पंत, गीत गोविंद, शरद चंद चटर्जी, अमृत और विश्व और जयदेव का चितंबरा है, ठीक है। तो अमृत लाल नागर की जो है वो अमृत, नाम भी इनका अमृत है और इनकी पुस्तक भी जो है अमृत और विश्व है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की चितंबरा है, चिदंबरा जो है वो सुमित्रा पंत की है, आपको पता है कि शरद चंद चटर्जी जिससे देवदास जिसपे जो है वो पिक्चर भी बनी है, शाहरुख खान ने इसमें एक्टिंग की है, मैंने आज तक इस पिक्चर को नहीं देखा है। जयदेव जो है गीत गोविंद जो है जयदेव का आपको मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, और फ्रेंड्स मैं आपको यहीं पर बता दूँ, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक का तीन किसमें है, इसमें है, और डी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या पता उसमें भी एक का तीन हो, ठीक है।
हाँ डी वाले में भी देखिए मैंने गेस किया जो वही हो गया, तो बी वाले से भी नहीं पकड़ सकती क्योंकि बी का चार उसमें भी है, सी से सी का दो है कि सी का एक है, तो सरदचंद चटर्जी का सी का एक यानी कि ए वाला ऑप्शन ही अपना सही है। ठीक है ये वाला हो गया, यानी चलिए फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अमृतलाल नागर की जो अमृत और विष है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की जो है वो चिदंबरा है, सरदचंद चटर्जी की देवदास है ही, आपको पता ही है जयदेव की गीत गोविंद। अगर आपको समझ लीजिए ये दो ना पता होता तो क्या आप दो से जयदेव गीत गोविंद तो आपने किया ही है, पढ़ा ही है मेडिवल हिस्ट्री में, तो डी का जो है वो दो, डी का दो दोनों में है, दो में है। अब आप किससे पकड़ेंगे तो इसमें आप जो है सरदचंद चटर्जी के देवदास यानी सी का एक डी का दो, तब भी आप नहीं कर पाते, आपको एक पता ही होना चाहिए था। ठीक है ऐसा भी ऑप्शन आता है। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसकी है, दास कैपिटल जो मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं बताऊँगी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है इसलिए आप केवल इसको याद रखिए, जो है कार्ल मार्क्स की है, दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स की है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है मैं आपको हाँ एक बात बताना चाह रही थी कि जब मैं एंशियंट हिस्ट्री की क्लास लूँगी वो ऐप पे लूँगी, हमारे जो ऐप है उसमें कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी होंगी। ठीक है तो उसमें क्या करना होगा ना कि जैसे मैं उसमें कैसे करूँगी, मैंने सोचा है उसमें जब मैं पढ़ाऊँगी ना तो उसमें मैंने यही सोचा है ना कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ये करा जाएगा कि एक क्लास में पढ़ाऊँगी फिर तुरंत उसका घटना चक्र कराऊँगी, तो जो घटना चक्र कराऊँगी ना मैं उसके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो मैं यूट्यूब पर कराऊँगी और कुछ क्लासेस भी यूट्यूब पे लूँगी पर बाकी ऐप पे होंगी, क्योंकि ऐप वाले लोगों का भाई यही कहना है कि भाई जो एडमिशन लिए हैं सारी अगर चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी तो भाई फिर उन्होंने फ़ीस किस चीज़ के लिए दी है, पहली बात। फ्रेंड्स दूसरी चीज़ है ना कि जो हमारा 1000 रुपीज़ का जो है वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत ही जो है वो इनोवेटिव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में चूँकि अभी तक जो है वो 95 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, केवल जो है वो हमने स्टार्टिंग में 200 स्टूडेंट का रखा था पर अभी हमें लग रहा है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इसलिए 200 स्टूडेंट के लिए हमने इसको कर दिया है। ठीक है और अभी चूंकि ये 5 तारीख तक तो हम केवल 100 स्टूडेंट का एडमिशन ले पाएंगे इसलिए केवल 5 स्टूडेंट की वैकेंसी केवल खाली है, इसलिए हम इन सीट को लिमिटेड करते हैं क्योंकि हमारे लिए कॉपी चेक करना थोड़ी मुसीबत का काम हो जाता है। क्वेश्चन तो हमने सबको दे दिया, सब आंसर लिख के जमा कर देते हैं पर जब हमारे पास कॉपी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर चेक नहीं, और हम चाहते हैं कि हम क्वालिटी दें हम लोगों की कॉपी जो है वो, तो हमारा क्या प्रोग्राम है कि पर डे अभी हम केवल एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है केवल एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट मंथ में 2 मंथ तक हम केवल आपको प्रतिदिन एक प्रश्न देंगे। अभी हम मॉडर्न इंडिया से शुरू कर रहे हैं, देखिए आप जो वर्तमान में पेपर आ रहा है IAS और PCS दोनों का देख लेंगे, वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने जो सोचा है ना कि अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो आपका PT का भी सिलेबस तैयार होता है और मेंस का भी तैयार होता है। ठीक है तो इसलिए हम डबल बेनिफिट वाला काम करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना वो हम सबसे लास्ट में थोड़े से टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले उठा के देखेंगे, हमें जो है वो अपनी 90% एनर्जी वहाँ खर्च करनी है जहाँ से हमें 90% गेन होना है। ठीक है करना है नेक्स्ट, तो चलिए ये फिर उसके बाद जो थर्ड मंथ से जो है यानी कि अक्टूबर नवंबर बीत जाएगा, फिर दिसंबर से हम प्रतिदिन आपको 2 क्वेश्चन देंगे, जनवरी में हम आपको प्रतिदिन 3 क्वेश्चन देंगे, फेब में हम आपको प्रतिदिन 4 क्वेश्चन देंगे। ठीक है फिर उसके बाद तब तक तो है एग्ज़ाम का यूपी के एग्ज़ाम का जो है वो UPPCS के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तक, और पता ही चल जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला, एग्ज़ाम की डेट आ ही जाएगी, कैलेंडर भी आ जाएगा तब तक, तो अगर उसके हिसाब से एग्ज़ाम मई या जून में होता है तो फिर जो है हम फेब के बाद जो है ना फिर मार्च तक तो हम 1 क्वेश्चन कराएंगे और मई और जून एकदम अप्रैल मई तो आपको एकदम छोड़ देंगे PT के लिए। ठीक है तो उसके बाद फिर हम आपको 10-10 क्वेश्चन और फिर 20-20 क्वेश्चन कराएंगे प्रतिदिन, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे आपकी ना कि आपके लिए जो है वो एग्ज़ाम एक मतलब एक बैरियर मतलब आंसर राइटिंग आपके लिए कोई समस्या नहीं रह जाएगी। फिर वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हम जैसे कि होता है ना कि आलोचनात्मक समीक्षा कराना, समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, इन सब चीज़ों में समीक्षा कीजिए, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें जो है बहुत उलझाऊ लगती हैं, तो ये चीज़ों को भी हम आपको वहाँ पर बताएंगे। मात्र 1000 रुपये फीस है फिलहाल 5 अक्टूबर तक के लिए, अभी तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो, यदि आप 5 अक्टूबर के बाद एडमिशन लेते तो यही फीस बढ़ के आपकी 10,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है तो ये एक बोनेंजा ऑफर है, प्लीज आप इसको जो है वो अपने फेवर में यूज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन MN रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान सभा, द वर्कर, वैगार्ड और अनुशीलन, तो वैगार्ड जो है वो इनकी जो है वो
पत्रिका थी, ठीक है, ये साम्यवादी थे, एम एन रॉय आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही दुर्गेश नंदिनी किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, फेमस है चूंकि इसलिए बोल रही हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर है, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी या बंकिम चंद चटर्जी के, तो ये बंकिम चंद चटर्जी की दुर्गेश नंदिनी है हमारा, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी मूल कथा, ठीक है, महात्मा गांधी ने अपनी मूल कथा जो है वो किस भाषा में लिखी है, तो उनकी मूल कथा क्या है, वैसे तो कल जो है वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है इनकी आत्मकथा है, और ये मूल रूप से गुजराती में है, क्योंकि ये महात्मा गांधी भी जो है वो गुजराती हैं, ठीक है। प्रिजन डायरी, ठीक है, प्रिजन डायरी किसकी है, जयप्रकाश नारायण, मुंशी प्रेमचंद, मोरारजी देसाई या अटल बिहारी वाजपेयी की है, तो प्रिजन डायरी जो है वो जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसकी है, इंडियन स्ट्रगल तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस की, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाली ताराचंद्र एस एन सेन, आर सी मजुमदार, बिपिन चंद्र की है, तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र पाल की है, ठीक है। इंडियाज नेशनल मूवमेंट लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है, जो है वो सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, ताराचंद्र, सुमित सरकार, तो इसके भी आंसर जो है बिपिन चंद्र पाल ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मदर इंडिया आपको पता है, अच्छा मैं क्या, जब मैंने मदर इंडिया सोचा था ना कि मैं मदर इंडिया पहले बता देते, इसका आंसर कैथरीन मेयो है, इंपॉर्टेंट है इसलिए, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो फ्लुएंटली आपके मुंह पे आनी ही चाहिए, ठीक है, उसके लिए ऑप्शन आपको नहीं देखने की जरूरत पड़नी चाहिए। द मदर इंडिया नाम सुना आपने, यंग इंडिया, मदर इंडिया, जो है वो न्यू इंडिया, तो ये कई ठो हैं, जैसे यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट है, ठीक है, मदर इंडिया कैथरीन मेयो, ये तीनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तीनों, ठीक है। अब मैंने पता है, मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मदर इंडिया कैथरीन मेयो ने लिखा है, तो इसमें जाहिर सी बात है अगर मदर इंडिया नाम है तो हमको कुछ पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमको लगता है अच्छा लिखा होगा। फिर जब मैं गूगल पे जाके सर्च किया मैंने, उसके बाद मैंने मदर इंडिया के बारे में पढ़ा, तो इसमें जो है ना इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इंडियन कल्चर को, इंडियंस के बारे में, तो एक तरीके से ये बुराई इन्होंने की है, ठीक है, तो इसलिए जो है वो मतलब ये मदर इंडिया नाम सुन के मैं सोचेगा कि इन्होंने हमारे फेवर में कुछ लिखा था कैथरीन मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के ध्वज गीत जो के रचयिता थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, या फिर जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी, कौन थे बताइए, कौन थे ध्वज गीत के जो है वो रचयिता, तो ये इसको मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है, ये वाला श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। जब मैं कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, कांग्रेस का जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है, और इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, एससी बोस ने की थी, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसी समय भारत में जो है वो उसी समय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडा गीत गाया गया था, और ये झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था, तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया था, और किसके कहने पर लिखा गया, तो गणेश शंकर विद्यार्थी इनके फ्रेंड थे, इन्हीं के कहने पर लिखा गया था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रही हूँ कि किसके कहने पर श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा गीत लिखा था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी इनके फ्रेंड थे, इनके कहने पर लिखा गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, कब हुआ था, 1938 में हुआ था, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन से कई कनेक्टेड आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से दोबारा बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत ए मेरे वतन के लोगों जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, राष्ट्रगीत जो है वो ए मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा लिखी गई है, जावेद अख्तर, प्रदीप द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर, मैथी, तो प्रदीप, ठीक है, के द्वारा जो है वो ए मेरे वतन के लोगों लिखी गई है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कवि जो है वो अरुणा आशफ अली, देखिए आशफ अली जो थे उनकी पत्नी का नाम अरुणा आशफ अली था, ठीक है, उन्होंने अपने नाम के आगे पति का नाम लगा लिया था। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, तो ये सरोजनी नायडू की है गोल्डन थ्रेशहोल्ड, ठीक है, इनके द ब्रोकन विंग्स भी इन्हीं की है, याद रखिएगा, सरोजनी नायडू की है, ठीक है।
निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? ठीक है, एक ही बार वहाँ पे जेल में वो बंदी हुए थे, तो उसी समय उन्होंने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में थे, और उसी समय जो है इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा। बंदी जीवन, आपको पता है बंदी जीवन किसका है? बंदी जीवन किसकी रचना है, याद रखिएगा। अपने क्रांतिकारी जिन्हें हम बिल्कुल भुला नहीं सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बिल्कुल बिना सचिन सान्याल की हैं, ये क्रांतिकारी हैं। बंदी जीवन सचिन सान्याल जो है वो इनकी रचना है बंदी जीवन। ठीक है, माउंटेन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पुस्तक लिखे कौन है? लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर। ठीक है, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर एम एन दास थे, लुई फिशर थे, उपयुक्त में से कोई नहीं है। आप इनमें से बताइए कि जो है वो कौन है इनके लेखक? माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, बताइए। चलिए आप इसके लेखक हैं आपके लुईस फिशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसके लेखक है लॉरी कॉलिंस एंड लैपियर। ठीक है, सॉरी हम पार्टीशन ऑफ इंडिया का सोच लिए थे, सॉरी माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के कॉली एंड लैपियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? डब्ल्यू एस स्लीवन, आउड्रम, विशप हेबर और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जर्नी टू द किंगडम ऑफ द अवध ईयर, तो आपको उस समय पता है कि डब्ल्यू एच स्लीवन जो है वो वहाँ के जो है वो क्या कहते हैं गवर्नर जनरल थे, और उन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। आपको पता है अवध का विलय जो है 1856 में किया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में, तो उसी समय जो वो अवध के जो है वो गवर्नर जो है ये थे डब्ल्यू एच स्लीवन थे, और उनके द्वारा जो है वो जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर ऑफ 1849 टू 50 रिपोर्ट इन्हीं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक है, आपको पता है इसके लेखक कौन है? ये तो बहुत फेमस है, आरसी मजुमदार हैं, सॉरी बीडी सावरकर हैं। आरसी मजुमदार की तो सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 है, द ग्रेट लिवर रिबेलियन एस बी चौधरी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एस एम सेन की जो है वो ये है आपके 1857 है। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? लॉरेंस है, कर्जन है, चर्चिल और लिटन, इनमें से कौन हो सकता है? लॉरेंस, कर्जन, चर्चिल और लिटन, इनमें से कौन है? तो इसके जो लेखक है कर्जन है। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट ये इम्पॉर्टेंट है, इसके लेखक जो है वो कर्जन है। नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए ये पुस्तकों की। द अनटोल्ड स्टोरी किसकी है? द अनटोल्ड स्टोरी ब्रिगेडियर दलवी, जनरल कॉल, एडमिरल भागवत, एयर मार्शल किलर की। तो अनटोल्ड स्टोरी जो है वो जनरल कॉल की है। मालगुडी देश आपको पता है आर के नारायण की, ये इसकी जो है वो मुझे याद है कि जब बचपन में हम लोग इसकी जो है वो स्टोरी मालगुडी देश जब छोटे थे तो हम लोग आता था उस समय टीवी पे, तो इसको बहुत देखते थे। तो ये आपके जो है वो टोटल मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है।
तो ये हमारा हो गया पुस्तक पुष्प पत्र पत्रिकाएं लेखक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सारे हमारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा मैं उस वो हमारा होगा भारत छोड़ो आंदोलन और मिसलेनियस कुछ होगा पाकिस्तान का विभाजन राजगोपाल चक्रपति राजगोपालाचारी ये सारे टॉपिक होंगे। फ्रेंड्स मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमारे जो है वो मेन्स के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ज़रूर एडमिशन लें क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक स्टूडेंट एडमिशन लें क्योंकि जितने लेंगे उसमें से 10-20% जरूर जो है वो फाइनल सेलेक्शन लेंगे। मैं इसकी गारंटी लेती हूँ क्योंकि इस बार भी जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें हमारे बहुत से क्वेश्चन फंसे थे सीधे क्वेश्चन मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि जो क्वेश्चन हमने दिए थे वहाँ से कैसे सीधे प्रश्न फंस गए। ऐसा लग रहा है जैसे आयोग हमारे क्वेश्चन को देख रहा हूँ। ठीक है मैं तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी जो है वो अपनी ऊर्जा पूर्ण तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा कभी भी निराश मत होइएगा हताश मत होइएगा। कोई भी समस्या हो अभियान सिविल सर्विसेज आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है आपकी हर समस्या में। कोविड के दौरान भी हमने बहुत से स्टूडेंट की हेल्प की थी इसलिए आप प्लीज़ किसी भी तरीके आपके पास कोई भी आर्थिक समस्या है आप बिल्कुल निश्चिंत रहे हम तब भी आपको पढ़ाएंगे। आप हम कभी भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। ये केवल आपको जो हम मिनिमम फीस लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारी जो हम टाइपिंग कराते हैं क्वेश्चन लिखवाते हैं बनवाते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो एक पूरी टीम है तो हम फ्री में काम कर सकते हैं बाकी सबको नहीं। और फिर हम अगर सबको छोड़ के आपके लिए डेडिकेटेड हैं तो भाई हमारी भी तो रोजी रोटी हम भी तो कुछ काम करेंगे ना भाई। तो बस उसलिए हम एक मिनिमम फीस आपके लिए लेते हैं कहीं भी कोई आर्थिक लाभ लेने का हमारा कोई भी मोटिव नहीं है क्योंकि हमें पता है जो भी स्टूडेंट आते हैं सभी बहुत बड़े घरों से नहीं होते हैं और सबके अंदर अधिकारी बनने का एक सपना होता है और हर किसी के सपने को पूरा करना ही हमारा सपना है। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।